कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का सीहोर के एक कार्यक्रम में दिया बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें कार्तिकेय अपने पिता का गुणगान करते हुए सुने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूरी दिल्ली उनके पिता के सामने नतमस्तक है। कार्तिकेय सिंह ने सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भेरुंडा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, मैं आप में, मुझ में, शिवराज जी में कोई फर्क नहीं देखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब अनेकों जिस्म और एक जान है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे औरत के साथ उसके क्षेत्र की जनता का भी हाथ होता है। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोबाइल के माध्यम से सभी को संबोधित किया। नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है और हमारी, मैं इसलिए शब्द का उपयोग करता हूं क्योंकि मैं आप में, मुझ में, माननीय केंद्र मंत्री जी में, हम सब में मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। हम सब अनेकों जिस्म और एक जान है और 2023 के लिए जितनी तारीफ की जाए आप सबकी उतनी कम है। दुनिया ने अपनी परीक्षा ली, कई उंगलियां उठी थी उस समय, पूरा देश ये बात करता था कि मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाना मुश्किल है। 2023 में जब हम लोग चुनाव लड़ने गए थे पूरा देश कहता था, बुद्धिजीवी कहते थे कि इस बार दूसरे राज्यों में तो सरकार आ जाएगी लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार आने के आसार नहीं लग रहे।